हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बंदर के बारे में जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, बंदर एक ऐसा जीव है जिसका नाम जहन में आते ही शरारती, उछल कूद मचाने वाले जानवर याद आने लगता है। आमतौर पर शहरों, गांवों, कस्बों में, जंगलों में जानवर स्वभाव से नटखट एवं चंचल स्वभाव का होता है। आज हम आपके लिए एक बेहद रोचक व दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, बंदरों से जुड़े रोचक व दिलचस्प हम बताने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बंदर एक मेरुदंडी सतनधारी प्राणी होता है। इसके हाथ की हथेली और पैर के तलुए छोड़कर संपूर्ण शरीर घने रोमों से ढकी होती है। कर्ण पल्लव सतन ग्रंथि उपस्थित होते हैं। मेरुदंड का अगला भाग पूंछ के रूप में विकसित होता है। हाथ व पैर की अंगुलियां लंबी, नितंब पर मांसलगंदी भी होती हैं। बंदर, जिन्हें हम मंकी भी कहते हैं, बहुत ही बुद्धिमान और शरारती जानवर होते हैं। यह जानवर हम इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदारों में से होते हैं। मनुष्य भी समय के साथ ही बंदर से ही विकसित हुआ था और इसीलिए आज भी हमारा 98% DNA इस जानवरों से मेल खाता है। आइए आपको बंदरों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हम बताते हैं। बंदरों को दो भागों में बांटा गया है। पहले प्राचीन दुनिया के बंदर, जो एशिया और अफ्रीका में पाए जाते थे। दूसरे नवीन दुनिया के बंदर, जो दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। नवीन दुनिया के बंदर 36 दांत वाले होते हैं, जबकि प्राचीन दुनिया के बंदरों के 32 दांत होते हैं। बंदर आमतौर पर पेड़ों, घास के मैदानों, पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। मनुष्य के सिवाय केवल बंदर ही इकलौते ऐसे प्राणी हैं जो केलों के छिलके उतार कर खाते हैं। शायद आपको पता ना हो कि ये केले को उल्टा छीलते हैं। बंदर नकल करने की कला में बहुत ही माहिर होते हैं, इसीलिए इन्हें बड़ी ही आसानी से प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। बंदर फलों, फूलों और पत्तों के अलावा कीड़े और रेंगने वाले प्राणियों को भी खा सकते हैं। जापान में एक रेस्टोरेंट है जहां पर बंदरों को वेटर के रूप में भी आप देख सकते हैं। कभी भी बंदरों को छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह उन्हें अच्छा नहीं लगता और ये आप पर हमला भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में बंदरों की 264 प्रजातियों को खोज लिया गया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बंदरों को गिनती करना भी सिखाया जाता है। बंदरों के समूह को अंग्रेजी में ट्रोप कहा जाता है। 2011 में पाकिस्तान ने एक बंदर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वह बॉर्डर पार कर भारत की तरफ जा रहा था। चिंपांजी बंदरों की एक किस्म है। अगर इन्हें किसी उचित काम का फल ना मिले तो यह हमारी तरह खींच जाते हैं। यह कहना है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का, जिसने एक ऐसा खेल तैयार किया था जिसमें फैसले लेने होते थे और जीतने पर खाने की चीज़ें मिलती थी। इस खेल में हारने वाले बंदरों को स्वादिष्ट केले के बजाय हल्का खीरा दिया गया तो उन्होंने ऐसे प्रतिक्रिया दी कि जैसे बंदरों को गुस्सा आ रहा है और वह खींच गए हों। साल 2000 से 14 दिसंबर के दिन को वर्ल्ड मंकी डे के रूप में भी मनाया जाता है। सभी बंदरों के पास खुद का फिंगरप्रिंट होता है। साल 1949 में एक बंदर को 133 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ाया गया था। इस बंदर का नाम अल्बर्टो रखा गया था। चीन और मलेशिया में मरे हुए बंदर के दिमाग को बड़े ही चाव से खाया जाता है। हफ्टर प्रजाति के बंदर की चींक 5 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं। जब बंदरों को शीशा दिया जाता है तो ये सबसे पहले अपने गुप्तांगों का निरीक्षण करते हैं। बंदरियों अपने पेट में बच्चे को 134 से 237 दिनों तक रखने के बाद ही जन्म देती हैं। एक सामान्य बंदर का जीवन काल लगभग 15 से 35 वर्ष तक का हो सकता है। बंदरों में टीबी की बीमारी आम देखने में मिलती है। मलेशिया और थाईलैंड में नारियलों के
पेड़ों से नारियल तोड़ने के लिए बंदरों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। मनुष्य की तरह ही बंदरों की आँखों की नज़र भी कमज़ोर हो सकती है। बंदर एक दूसरे से बात करने के लिए इशारों का प्रयोग करते हैं। बंदरों को पानी में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह फिर भी काफ़ी अच्छे तैराक होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये जानकारी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और एनिमल के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।